हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा में बस 2 सप्ताह का समय रह गया है। आज के ही दिन यानी कि रविवार को यह परीक्षा होगी और आप सभी अभी बड़े ही जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ बातें तैयारी करते वक्त अगर आपने ध्यान नहीं दी तो फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल से फाइनल एग्ज़ाम दे के हम निकलते हैं तो फिर याद आता है कि काश किसी ने बता दिया होता, समझा दिया होता, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसीलिए आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, याद दिलाने के लिए बार बार हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जानकारियाँ, रणनीति, चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसी क्रम में यह वीडियो आपको सुनना है और आप पाएंगे कि आपको प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, हमें फॉलो करिए। यहाँ पर हम अपनी टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स, नोट्स शेयर करते हैं। आप इनके सैम्पल्स देखें, इनका कंटेंट, टू द पॉइंट चीज़ें, उसके बाद हमें ऑर्डर कर सकते हैं 9685705712 पर। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हमारे नोट्स, कक्षाएं, टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसे कि आपको शुरुआत से ही मैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बचे हुए 20 दिन में आपको ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। भले ही आप जॉब में हो या आपको पढ़ाई का कम समय मिला हो, तो वो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी थी। अब एक और बात आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप सभी अभ्यर्थियों को जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को तो देखिए अब उनका रिवीजन स्टार्ट होने वाला होगा या वो रिवीजन कर रहे होंगे। अब तो मान लेते हैं कि अगर 10 तारीख से वो रिवीजन शुरू करेंगे, और मान लीजिए ऐसे बच्चे जिनको समय ज़्यादा नहीं मिला तो वो अभी अपना सिलेबस कम्प्लीट करने में लगे हैं, तो दोनों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मेरिट में आना है तो आपको एक सिनॉप्सिस हर सब्जेक्ट का ज़रूर बनाना है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया पहले वीडियोस में कि आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, या एमपी पढ़ रहे हैं, या साइंस पढ़ रहे हैं, या आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमको काफ़ी चीज़ों का पहले से नॉलेज होता है, लेकिन मेरिट किस वजह से रुकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं। अब चूंकि अब तो कुछ दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, तो जो आपके पास है वही बेस्ट है, लेकिन मेंस के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास जो नोट्स हैं, जो किताबें हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं, अगर उनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ें, उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक पेज में अगर 30 लाइनें हैं तो ऐसी 5-6 लाइनें या 5-6 फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको भूलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अपनी एक अलग से नोटबुक बनाना है और उसमें लिख लेना है, मतलब पेजेस के माध्यम से। तो मान लीजिए ऐसी आपने एंशियंट हिस्ट्री की 12-15 पेज की बना ली, मेडिवल की आपने 10-12 पेज की बना ली, मॉडर्न की आपने 8-10 पन्ने की बना ली। कहने का मतलब ये है कि आपका 18 तारीख के दिन रिवीजन या जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 19 और 20 तारीख का जो दिन है वो आपको सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स को पढ़ना है, ट्रिक बना के, अपनी खुद की आर्ट स्किल्स डेवलप करके, कैसे भी करके आप इन फैक्ट्स को रटिए, इन फैक्ट्स को आप अच्छे से क्या करिए,
चीज़ों को लिंक करके याद रखिए। पुनः समझ लीजिए कि जैसे हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज़ें हमें आती हैं, मान लीजिए आपको ये पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ लिख लेनी चाहिए, वो ईयर लिख लेना चाहिए। इसी तरह से आप सभी को और भी जो फैक्ट्स हैं, चाहे वो एमपी के हों या अन्य सब्जेक्ट्स के हों, सभी सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे सिनॉप्सिस 8-10 पेज के बना लेने हैं। ऐसे करके आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए 10 यूनिट हैं, तो हम मान लेते हैं कि औसतन आप एक यूनिट के छोटे छोटे सिनॉप्सिस 10-10 पन्ने के बनाएंगे, तो 100 पेज ऐसे हो जाएंगे। और यही 100 पेज आपको 19 और 20 तारीख को पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका जो खामियाजा है वो आपको एग्ज़ाम में जो है भुगतना पड़ सकता है। कारण यह है कि देखिए, अगर आप पढ़े जा रहे हैं तो फैक्ट्स जो भूलने वाले हैं या कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं, वो ऐसे याद नहीं आएंगे। वहाँ आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रह जाती हैं जिससे कि आपके 55-60 क्वेश्चंस ही सही हो पाते हैं, बाकी के आपके 2-4, 5-8-10 जितने भी तुक्के लग जाएँ, ऐसे करके फिर वो वही कट ऑफ के आसपास लटकने वाली चीज़ हो जाती है। तो कट ऑफ के आसपास हमको ना लटकना है ना भटकना है, हमको कट ऑफ क्रॉस करना है, और हमारे मार्क्स कम से कम 80% प्लस होना चाहिए, तभी हम ये श्योर होंगे। क्योंकि देखिए, 10 क्वेश्चंस तो मान लीजिए कि एमपीपीएससी के द्वारा विवादित होंगे, या यहाँ वहाँ से आउट ऑफ सिलेबस, यानी उन पे किसी ना किसी तरह का इशू होगा, लेकिन बचे हुए 90 क्वेश्चंस जो हैं वो तो सही होंगे। तो 90 में से आप कितना भी कुछ कर लीजिए, 5-6 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, तो ऐसे करके 10 मान लीजिए, यानी कि 80+ क्वेश्चंस आपके सही होने ही चाहिए। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से बच्चे जो हैं 60-65 क्वेश्चंस सही करके आते हैं हर बार, और वो सोचते हैं कि मेरा लेवल जो है काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, 50-55 क्वेश्चंस तो उससे ही बन जाते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी के 50 क्वेश्चंस जो होते हैं, आधे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। और एक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा 60-65 क्वेश्चंस बना के आ जाता है। मेरिट के लिए बचे हुए 15 क्वेश्चंस जो होते हैं, उन्हीं के लिए आपको मेहनत करनी होती है। उसी से पता चलता है कि आप कितने पढ़ने वाले हैं और आपकी मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा कि आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, आंकड़े इतने ज़्यादा हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, सिलेबस इतना वास्ट है, कि अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम में एक दिन पहले बैठ के सब कुछ रिकॉल कर लेंगे 24 घंटे में और जाके पेपर दे आएंगे, तो इम्पॉसिबल है। स्मार्ट वर्क करना आप सीखिए, पढ़ते जाइए। अभी जो सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, जिनका रिविज़न है, वो अपनी एक छोटी सी बुक ले लें, उसमें हर सब्जेक्ट के 8-8, 10-10 पन्ने के सिनॉप्सिस, छोटे छोटे नोट्स बना लें, सिर्फ उनमें वही फैक्ट्स, वही ट्रिक्स, वही चीज़ें लिखें जो भूल जाती हैं। बाकी की आपसे बनना ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो भूल जाती हैं बनती नहीं है, जिनमें कन्फ्यूज़न है, तो ये अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपके चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पुनः याद दिला दूँ, प्रिंस सर की ये टेस्ट सीरीज, जिसके क्वेश्चंस जिनका स्तर वही है जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आपको इन प्रश्नों में सालों का जो अनुभव है वो दिखेगा, वही स्तर दिखेगा जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक भी प्रश्न का आंसर आप जो है बिना दिमाग लगाए, यानी कि गैस नहीं कर सकते, आप पढ़ेंगे उसके बाद ही इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो अभी भी ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, सारे टेस्ट ले सकते हैं, अभी भी 13-14 दिन बाकी हैं। आप 4-5 दिन में या अपने रात्रि के वक्त एक एक करके, दो दो करके इन टेस्ट को लगा लीजिए, और जो आपने पढ़ा है उससे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी कमियाँ निकल आएंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना टेस्ट लगाए ही एग्ज़ाम में जाते हैं, और उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो बेसिक्स यही हैं कि
बिना टेस्ट लगाए जाएंगे, यानी कि बिना कमियों पे अपनी वीकनेस पे वर्क करके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसका जो खामियाजा है वो हमें एग्ज़ाम हॉल में भुगतना पड़ेगा। ऐसा मत करिए, आप टेस्ट लगा के जाइए, आपने सब कुछ पढ़ लिया अच्छी बात है, आपको सब कुछ आता है अच्छी बात है, लेकिन ये कंफर्म करके जाइए कि क्या वाकई में जो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा है, या अभी भी कहीं कोई लूप होल रह गया, कोई ऐसी जगह रह गई जहाँ पे आपने काम नहीं किया, वर्क नहीं किया है, या आती हुई चीज़ें भी रिकॉल हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं, ये सिर्फ आपको प्रिंस सर्किट टेस्ट सीरीज में मिलेगा। बाकी तो आपको सभी को पता है कि हलवा टेस्ट सीरीज में आप 90-95 नंबर क्वेश्चन सही करके आ ही रहे होंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विद डायग्राम विद फिगर, आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, और निश्चित ही आप इनको सॉल्व करने के बाद, इनको लगाने के बाद, पढ़ने के बाद पाएंगे कि आपका जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि इनसे एज इट इज आपके क्वेश्चंस आते हैं, और आप स्वयं जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप अपने फीडबैक के माध्यम से बताएंगे कि आपको इन नोट्स से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नंबर है 9685705712, इस पर व्हाट्सएप करिए, हमसे बात करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को भेज दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि यहाँ वहाँ पैसा बर्बाद ना करें, सिर्फ प्रिंस सर के नोट्स और टेस्ट सीरीज, साथ में प्रिंस सर की बताई हुई जो रणनीति है मैं आपको नोटबुक पर लिखवा दूंगा, ऐसे पढ़ना है, इस तरह से ये टाइम टेबल है एज इट इज, मतलब बेसिक्स से लेके टिल एंड सारी चीज़ें आपको ऑन पेपर लिखवा दूंगा, उस रास्ते पर आप चलेंगे आप पाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।